तो कई लोगों पे एक्शन होगा, और एक्शन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव फिर से ताकतवर दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं ना कि जब मौसम ठीक ना हो, जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो बेहतर है चुप्पी साध लेना चाहिए। याद करिए उस बयान को जब अखिलेश यादव कह रहे थे कि इन लोग को सबक जनता सिखाएगी, लेकिन यही अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। और सबक सिखाने का वक्त क्यों आ गया, क्योंकि इन समाजवादी पार्टी के भीतर रहकर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया गया। जाहिर है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुस्सा तो आएगा, नाराजगी तो होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उतने ताकतवर नहीं थे उस वक्त कि वो कोई एक्शन ले पाते। पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग रहा है कि 37 सीटें महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जीता है, हवा का रुख बदल गया है, माहौल बदल गया है, समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी लाने में साफ तरीके से रोका है। यह क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का मजबूत किला माना जाता था, वहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, और इसका अनुमान किसी राजनीतिक पंडित को भी नहीं लगा था। कोई नहीं समझ पा रहे थे कि बीजेपी की स्थिति इस कदर खराब हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और ऐसा होने जा रहा है। दुबे साहब किस तरह की सजा देने जा रहे हैं, जिन्होंने धोखा किया उनको किस तरह की सजा देने जा रहे हैं, क्या पार्टी से निष्कासित करेंगे, फिर से उनको चुनावी मैदान में लाएंगे, और आपको मालूम है इस बार टिकट नहीं देंगे तो उनकी हैसियत स्थिति क्या होगी, और ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी जीत शानदार रही है, आपने बीजेपी को पटकनी दे दी है, अब लगता है आपने जीत का स्वाद चख लिया है, इसलिए अब आपको लग रहा है कि राइट टाइम आ गया है, और इस अवसर का फायदा उठाते हुए जिन लोगों ने भीतर घात किया उनको कड़ा सबक देना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर जिन्होंने जैसा कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन जहां तक सजा की बात आपने की तो मैं आपको इससे एक बात बता सकता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके में जो सजा दी जाती है वो इनको सजा मिलेगी, और लोकतांत्रिक तरीके में जनता ही सजा देती है। पार्टी ठीक है एक्शन लेती है, लेकिन असली जो सजा होती है वो तो पब्लिक के ही हाथ में होती है कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये पब्लिक तय कर देगी। लेकिन आप जहाँ हैं, बड़ा दुख होता है इस बात का कि आपकी आस्था तब कहाँ चली जाती है जब आप टिकट मांगने आते हैं, जब आप चुनाव लड़ने आते हैं। अरे भाई, उससे पहले आप कर चले जाते, कोई बात ना था, रिजाइन करके चले जाते। लेकिन ये जब हम किसी के साथ किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और बीच में हम गद्दारी करें, तो निश्चित तौर पर ये जनता के साथ भी धोखा है। ये धोखा सिर्फ पार्टी के साथ नहीं, जनता के साथ भी धोखा है, क्योंकि जनता ने आपको पसंद किया था, आपकी पार्टी को पसंद किया था, तब आप वहां पे पहुंचे थे। लेकिन ठीक है, ये वक्त है, राजनीति में ऐसा होता आया है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है, इसलिए। लेकिन उसका अभी जब जवाब मिलेगा तो निश्चित तौर पर सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और जनता इस चीज को निश्चित तौर पर जवाब देगी। नहीं, जनता जवाब देगी दुबे साहब, लेकिन सवाल एक ही ये तो उठ रहा है कि अब ऐसा मौका आप लोग को क्यों नजर आ रहा है कि अब सही समय है एक्शन लेने का? क्या इसलिए क्योंकि लोकसभा में आपकी जीत हुई है, इसलिए क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब आप उस हालत में हैं कि बागियों को सबक सिखा सकते हैं? नहीं, मैं आपको ये चीज सच बता देता हूँ, शायद इस बात को आप अतिशयोक्ति कहेंगे, शायद आपसे भी एक बार, आपके साथ भी दो एक बार। दुबे साहब, मैं ये मान के ही चल रहा हूँ कि जो आप बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। नहीं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वही बोले जो 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 प्रैक्टिकली है। तो बीच में जब चुनाव चल रहा था तब कई चैनलों पे हमने ये कहा था कि हम अच्छी पोजीशन में हैं और हम ये चुनाव में अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मुझे मैं तीन चीजों से था। अगर बसपा का वोट कांस्टेंट रहता है तो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट रहेगा, बसपा का वोट अगर हमें कन्वर्ट होता है
तो हम अच्छी पोजीशन में जाएंगे, और बसपा का वोट अगर बीजेपी में कन्वर्ट होता है तो बीजेपी अच्छी पोजीशन में जाएगा। ये चीज तीन चीजें थी, लेकिन हमने जहां तक जनता के साथ संवाद किया था तो उस समय हमें ये महसूस हो रहा था कि हमें जनता पसंद कर रही है, और वही रिजल्ट आया। मेरी जो सोच थी उस सोच से रिजल्ट आया, और ऐसा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा हुई तो वहां भी यही चर्चा हुई कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उम्मीद हमें पूरा था, भरोसा पूरा था। अभी इन लोगों को क्या अच्छे अच्छों को भरोसा नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, तो इन जो 7 लोगों ने जो चुनाव से पहले बोलते हैं ना कि रामविलास पासवान जी चुनाव से पहले भाप जाते थे किसकी सरकार बनने वाली है, तो इन 7 लोगों ने भी शायद ये भाप लिया था कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन वो फेल हो गया। तो इन्होंने उस समय बाई को किस में उन्होंने ये काम किया मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ उनकी बात, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर पार्टी से गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आने वाला कल बताएगा कि हमारी पार्टी क्या डिसीजन लेती है और जनता उनके प्रति क्या डिसीजन लेती है। अशोक पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आपको ये ठीक लग रहा है जिसने भीतर घात किया उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अशोक पांडे जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, अनुपम मिश्रा जी और सैयद कासिम साहब, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, अशोक पांडे जी, आपको क्या लगता है, अब अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आप लोग बुरी तरह हारे, कहीं के नहीं रहे, मिशन अस्सी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे आप, उनके वोटर्स को अपने पाले में ले रहे थे, जनता को पसंद नहीं आया, जनता ने करारी शिकस्त दे दी। अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश यादव वापस फॉर्म में दिख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत लगी रहती। अभी साथी ने कहा कि वो लोग मौसम वैज्ञानिक थे, भाप नहीं पाए और हार गए। कहां हार गए? मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने आकलन सही किया था। अभी वो सब तो हारे नहीं, आगे वो जीतेंगे कि हारेंगे बाद में फैसला होगा। मेरा कहना है कि अखिलेश जी जरूर प्रसन्न है, अब अखिलेश जी जब प्रसन्न होकर एक्शन लेते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। एक बार बड़ा प्रसन्न हुए तो अपने चाचा जी को ही बाहर निकाल दिए, एक बार प्रसन्न हुए तो पिताजी को ही बेइज्जत कर दिए, मुझे बड़ा डर है। अभी एक दिन उनका बयान आया था कि चाचा जी अब प्रदेश की राजनीति में रहेंगे, मैं राष्ट्रीय राजनीति में कूदने जा रहा हूँ। मतलब अपने चाचा जी को छोटा करके बड़ा करके ये निकालना रखना इनके बस में है, फिर एक बार उनके हाथ में उस तरह आ गया है जहाँ चाहे चलावे। ये दुर्भाग्य है कि चूंकि हम लोगों का दल का मामला है नहीं, इसलिए अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे ये जरूर है कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। अनुपम जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, यही अखिलेश यादव कह रहे थे कि जनता इनको सबक सिखाएगी, अब तो अखिलेश यादव ही सबक सिखाने पर उतर गए। नहीं, अखिलेश ने चुनाव के दौरान भी आपको याद होगा रायबरेली में मनोज पांडे की तरफ इशारा करके कहा था ये गद्दार है, इनको पहचान लो और समय आने पे इनको माकूल सजा देना। और बात अखिलेश यादव की नहीं है, जो भी पार्टी होती है इस तरह अगर उसके विधायक टूटते हैं तो किसी भी पार्टी का नाराज होना बहुत जायज है। और जैसा कि अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि साहब एक समय में अखिलेश यादव अपने को इतना ताकतवर नहीं पाते थे कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, अब उनको लग रहा है कि साहब की जा सकती है। उसमें भी वो पल्लवी पटेल को लेकर अभी तक दो मत में है, क्योंकि उनको इस बार बड़ी मात्रा में कुर्मी वोट भी मिला है। ऐसे में पल्लवी पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने में उनको थोड़ा संकोच होगा, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब आप मनोज पांडे, राकेश सिंह और ये राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, ये ब्राह्मण ठाकुर, इन जातियों से आने वाले विधायक के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप पल्लवी पटेल के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकी उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिली उसमें कुर्मी विधायकों का और कुर्मी वोटों का, कुर्मी सांसदों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वो पल्लवी के खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की चर्चा बहुत तेज है। लेकिन पंकज भाई, इसी ऐसे मौकों पर
जो सदन का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, फिर वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमने देखा था कि किस तरह केशरीनाथ त्रिपाठी ने जब बसपा को तोड़कर, और मतलब इतने लंबे समय तक मुलायम सिंह की सरकार चला दी थी, काशी साहब अगर मुझको ठीक याद है तो शायद ये 2.5 साल करीब चला दी थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, और स्पीकर चूंकि भाजपा का है तो जाहिर सी बात है अगर भाजपा यहाँ चुनाव कराना चाहेगी तो जरूर कराएगी, अगर नहीं कराना चाहेगी तो इनकी सदस्यता लेना इतना आसान नहीं होगा। स्पीकर उसको गोल मोल घुमाते रहेंगे और लंबे समय तक इसको घुमाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि साहब क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी कि चलो चुनाव करा ही लेते हैं, जब 8 जगह चुनाव हो रहा है तो 16 जगह चुनाव करा लेते हैं और अपने अपनी कुछ विधायकों की संख्या बढ़ा लेते हैं वो, क्योंकि अगर ये सीटों को भाजपा हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सपा की सीटें हैं सपा को चली जाएंगी, लेकिन अगर सीटों को भाजपा जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनको कहने को हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वैसे भी बहुत फर्क होता है, हमने देखा है वोटिंग पैटर्न में बहुत फर्क होता है, और उपचुनाव में वैसे भी थोड़ा सा सरकार का पलड़ा भारी बताया जा, ये मतलब ट्रेडिशनली बताया जाता है, ये भाजपा सरकार की बात नहीं है। उपचुनाव में तो आपने देखा था कि उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ तक जीत लिया था, तो उपचुनाव में सरकारों का पलड़ा भारी रहता है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये अखिलेश यादव एक्शन लेंगे ये बात ठीक है, अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को शायद इस एक्शन से बरी कर देंगे इस बात की भी संभावना है, पर इन विधायकों की विधायक की जाएगी या नहीं जाएगी ये बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के रुख पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पीकर उनका है पंकज।